और इसके बाद यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी हम लोग और एक्सटेंशन करेंगे 2500 बेड का। तो ये सब कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि कितनी सुविधा सबको, तो ये सब सोच करके हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ प्रियदर्शन। बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने को लेकर के बिहार की नीतीश सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करते रही है। तो आज इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने वहां चिकित्सा सुविधाओं में को उन्नत करने की दिशा में जिले में चल रहे जो प्रयास हैं उसका निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर स्थित SKMCH अस्पताल का भी दौरा किया है। नीतीश ने इस दौरान वहां पर जो SKMCH अस्पताल का नया परिसर बन रहा है, नए भवन बन रहे हैं और करीब जो 2500 बिस्तरों वाला यह अस्पताल निर्मित हो रहा है, यानी कि इसका जो एक्सटेंशन का काम चल रहा है, उसका भौतिक निरीक्षण करने के बाद बताया है कि मुजफ्फरपुर में जल्द ही जो ये चिकित्सा सुविधाएँ उन्नत हो रही हैं यह एक बड़े क्रांतिकारी कदम की होगा और राज्य में मुजफ्फरपुर एक ऐसे ज़िले के रूप में परिणत होगा जो कि पटना और शेष जो बड़े शहर हैं उसके अनुरूप मुजफ्फरपुर में भी इस अस्पताल में अब बड़े स्तर पर लोगों को एक छत के नीचे ही अलग अलग किस्म की चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के दौरे पर हैं और मुजफ्फरपुर दौरे का उनका जो मुख्य कार्यक्रम है वह मुख्य कार्यक्रम जिले में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जो मौजूदा वहाँ स्थिति है उसका निरीक्षण करना और फिर जो योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं उसका उद्घाटन करना है। तो इसी के सिलसिले में आज जब नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले चिकित्सा विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ SKMCH अस्पताल का दौरा किया, वहां उन्होंने चल रहे बुनियादी निर्माण कार्यों का जायजा लिया और निरीक्षण करने के बाद नीतीश कुमार ने बताया है कि किस प्रकार से मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के द्वारा संचालित चिकित्सा क्षेत्र की योजनाओं में क्या गतिविधियाँ संचालित हुई हैं। तो आप सुनिए कि मुजफ्फरपुर में चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन और सुधार को लेकर के सरकार की योजनाओं पर नीतीश कुमार क्या। देखिए ये अस्पताल का कोई खास किया गया है क्या कहेंगे से आगे पिछले सब काम शुरू हो गया है, कुछ काम भी पूरा हो रहा है और इस साल के अंत तक समूचा काम पूरा हो जाएगा। बाहर किसी को जाने के लिए यहीं पर सब मिल जाएगा और इसके बाद यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी हम लोग और एक्सटेंशन करेंगे 2500 बेड का। तो ये सब कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि कितनी सुविधा सबको, तो ये सब सोच करके हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पहले भी आकर के देख लिए है कि काम, तो अभी हाल ही में हमसे चर्चा की, इस बार भी देख लीजिए, भाई बन के तैयार हो जाएगा तब फिर हम आएंगे अंत में यहाँ देखने के लिए। तो आप जरा देख लीजिए और आप लोग अगर हो सके तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि लोगों के इलाज के लिए राज्य में किस तरह से सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है और सब लोगों को जो भी यहाँ ट्रीटमेंट का शिकार होगा उस सबको हम लोग मदद करते हैं। सीएम मुख्यमंत्री सर मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत उससे हम लोग मदद करते हैं सब, ताकि किसी को भी गरीब गुरबा तबका को कोई दिक्कत नहीं।